हेलो एवरीवन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ठीक अपने इस वीडियो के पहले वाले सेशन में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था उसमें था कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सेकंड पार्ट है। मैंने जैसे कि आपसे डिस्कस भी किया था, मैंने बताया भी था कि मैं अपने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दूसरे वाले पोर्शन में मैं ये स्टडी करूंगा कि फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे बने तो उसके लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये सेम फाइनल इमेज अब इंफिनिटी पे बन रही है और इसके लिए जो डायग्राम है वो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक, इससे पहले मैं आपको मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिफिनेशन बता देता हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनफैक्ट इट इज अ रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबस्टेंडेड एट द आई by the final image, by the final image formed at infinity to the angle sustained by the object this is the definition of magnifying power of compound microscope। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी मैं बात कर लूं, ये डायग्राम। तो इस बार हमारे डायग्राम में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि लेंस अभी भी हमारे पास दो है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। जो आईपीस की तरफ जो लेंस है वो आई की तरफ जो लेंस है वो आईपीस है। ये जो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है, ऑब्जेक्ट की हाइट को मैंने यहाँ पे एच कंसीडर किया है, सेम जैसे कि मैंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फर्स्ट वाले सेशन में, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में बताया है। उसको अगर आप देखोगे तो सारी चीज सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, ये जो इमेज बन रही है, पहले से जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी मैग्निफिकेशन के कारण जो इमेज बन रही है, ये इमेज इनफैक्ट अब हमारे आईपीस के फोकल लेंथ की डिस्टेंस पर रखी हुई होनी चाहिए। तो ये अब हमारे फोकल लेंथ पे है, आईपीस के फोकल लेंथ पे। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई भी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनती है। तो ये इंफिनिटी पे इसकी इमेज बन रही है। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है कि पहले वाले मैग्निफिकेशन और दूसरे वाली मैग्निफिकेशन को अब हमें डिटेल्स में इसको समझना है। मैग्नीफाइंग पावर मैं समझता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहला जो है, पहला पॉइंट है मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। तो मैग्निफिकेशन ड्यू
ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इज रिप्रेजेंटेड बाय एम नॉट एम ओ जो कि एच डैस बाय एच ऑलरेडी इसको पहले से हमने डिस्कस कर लिया है और इसकी जगह पे मैंने एल बाय एफ नॉट भी माइनस में रख लिया था अपने ठीक इससे पहले वाली वीडियो में। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आईपीस की देखनी है हमें वो होगी आपकी मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस, आईपीस कह सकते हो या फिर आई लेंस भी हम लोग इसको कहते हैं। ये एम ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये डी अपॉन एफ ई होगा। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होती है वो होती है एम ओ इंटू एम ई। तो इसको भी अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन होता है नेट मैग्निफिकेशन का। तो नेट मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज is formed at infinity, infinity पे जब इसकी इमेज बनेगी तो उसको देखा जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल इमेज m equal to m naught into m e होता है और m naught की जगह पे आप ये l माइनस में एल बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई और इस तरह से ये इनफाइनाइट पे जो इमेज बन रही है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी केस में उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दोनों ही पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।